कितने दिन पहले यहाँ आए थे आप? मैं 5 साल जुलाई में आया था, तो मेरे पेट में मुझे परेशानी थी, घर में भी बच्चों को परेशानी थी, तो नेट इंटरनेट के माध्यम से मैंने देखा था, तो उससे फिर मैं आपके पास बच्चे को लेके आया था और आपके जो बताई हुई दवा की के अनुसार कार्य किया। जड़ी बूटी जो यहाँ से मिलती है, पंडित चेक करके बताता है उल्टी में किसको क्या निकलेगा, वो जनता के घर पे निकलता है। तो आपके घर में आपकी बीवी को उल्टी में पनीर बोला था पंडित चेक करने वाला, तो पनीर निकला था? हाँ, पनीर निकला था, जिसको आप देख भी सकते हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहेंगे, ये रहा, करीब से दिखा दो। लगभग वजन में लगभग 250-300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, तो 4 बार में निकला। तो क्या आप पनीर खा के या खिला के दवाई जड़ी बूटी में दी दिया? नहीं, उस बीच में मैंने कोई दूध की चीज ही नहीं, कोई चीज भी। हाँ, यही मैं भी कहता हूँ कि जो चीज निकलना है वो आप लोग अपने क्या ब्रेक कर दो, ताकि वो दिखना चाहिए आप लोगों को भी कि क्या सच है क्या गलत है। मैं लेकर के आया ही नहीं, इसीलिए कि जिससे बच्चों को भी विश्वास हो जाए, हमें भी विश्वास हो जाए, और निकला और सही, तब से हम लोग सब ठीक है, आराम है। तो ये बीवी को जो भी पनीर निकला लगभग 250 से 300 ग्राम, तो इसको निकलने से बीवी में कुछ बदलाव कितना हुआ? पहले से करीब वही 30% करीब बदलाव हुआ। और आज उसकी बीवी के आप अपने भूतों को डीएन कराने के लिए आए हैं, आज हो भी गया है। अब हम मालिक से यही दुआ करेंगे कि आप लोग 100% ठीक हो रहो। आपको क्या दिक्कत होती थी? मेरे पेट में दर्द होता था, मैंने वो भी वहाँ विवेकानंद में कराई लखनऊ में, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने PGI में कराया, PGI में कराने के उपरांत डॉक्टर साहब ने विधिवत किया, लेकिन कुछ निकला नहीं, बायोप्सी भी कराई, कुछ भी नहीं निकला। फिर मैं इंटरनेट के माध्यम से आपके पास आया, जिससे जितनी बार में क्लियर मैं हो गया, एकदम आराम मुझे मिल गया। तो पंडित आपको क्या बोला था उल्टी में क्या निकलेगा? मुझे खाना निकला था, तो वही गंदा खाना निकला, बदबूदार खाना निकला। ये तंत्र मंत्र करके खिला देते हैं, सदा लोग पेट से परेशानी होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मालिक की ये मर्जी है, मालिक की ऐसी कोई मर्जी नहीं होती, मालिक की कि आप दुखी रहो, मालिक की मर्जी नहीं होती। ये जो नीचे कमीने लोग हैं, जो आपसे जलने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, तो ये कर करा के दूसरे से तीसरे से खिलवा के ये जिंदगी को नरक जैसी बना देते हैं। तो आप ये बाबी बाबाओं और डॉक्टरों को कितना रुपया आपने दिया होगा? लाखों रुपया आपने दिया। कोई बाबी बाबा कोई नामी जगह कहीं गए? किशोरचा शरीफ। कितने दिन बार गए? मैं 2 बार गया। 2 बार गए, वहां से क्या हुआ? कोई फायदा नहीं, जीरो। मेरा भी यही मानना है कि कभी भला होता होगा, मगर अब वहां के लोग मुजावर और वहां के जो है ना, टोपी लगा के दाढ़ी लगा के लोगों को लूट रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। गंदगी का मतलब बंद भाषा में बोल रहे हैं, समझ जाओ। तो जहां गंदगी होगा वहां पे बुजुर्ग लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, तो वो बुजुर्ग लोग वहां से चले जाते हैं, नहीं रहेंगे, रहेंगे ही नहीं। तो जहां गंदगी वहां कोई अच्छे बुजुर्ग नहीं रह सकते, इंसान नहीं रह सकता। गंदगी हो जाए तो आप यहां बैठना पसंद करोगे? यानी कुत्ता मर जाए या बदबू कहीं से आए या कुछ गलत काम होने लगे तो क्या आप बैठना पसंद करोगे? यहां नहीं बैठना पसंद करोगे, भाग जाओगे। यहाँ का नियम कैसा आपको लगा? जूता मोजा बिना उतारे आप अंदर नहीं आ सकते हैं, सही है? बहुत अच्छा आपके यहाँ नियम है, चाहे जो आए वो क्रम से आता कोई है, भी हो, कोई भी है, पक्षपात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भेदभाव भी नहीं है। आप क्या काम करते हो? मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस में आप इंस्पेक्टर हो? अभी मतलब रिटायर हो गए? ड्यूटी में, अभी ड्यूटी में है। क्या आपके लिए कोई जूता मोजा अलाउ हुआ? नहीं। प्रधानमंत्री भी रहोगा, उसको भी वही करना होगा, जूता मोजा बाहर उतार के तभी। मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर किसी से मिलना है, अच्छे जगह जाना है, तो उनके नियम से जाओ। बहुत से लोग, ये मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं अभी, मोजा पहन के नमाज पढ़ते हैं, वो गलत करते हैं। मोजा पहन के 4 कदम चलने से वो बदबू हो जाता है। बहुत से हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मोजा पहन के जाते हैं, बदबू लेके जाओगे भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। बहुत से VIP चले जाते हैं, VIP लाइन लगा के, और जो आम आदमी है वो धूप में खड़ा है, तो भगवान भी देखते हैं ना कि ये सब का नंबर कार्ड के आया, तो भगवान आपसे, मेरा मानना है कि नहीं मिलेंगे, भगवान वहां से साइड हट जाएंगे। आप बचा पत्थर, क्या बचा? पत्थर, उसमें तो दूध गिरा, फूल गिरा, माला गिरा, जो चाहे सो गिरा, भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, आम आदमी के साथ साथ लाइन लगाकर जब जाओगे तो भगवान 100% आपसे मिलेंगे, महसूस करोगे कि हाँ हमारा दर्शन भगवान से हुआ। किसी का आप हक पद मार के, यानी कि सबकी लाइन कैंसिल करा के आप जाते हो, भगवान नहीं मिलेंगे, एकदम नहीं मिलेंगे।
मेरा ऐसा मानना है, आप क्या मानते हो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आप भगवान से मिलना हो तो नियम से जाओ, बढ़िया पाक साफ सुथरा होके ही जाओ। आपके यहाँ के कार्य से हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। यहाँ का कानून कायदा बहुत ही टाइट है, जरा सा भी गलती करोगे आपका टोकन कैंसिल हो जाएगा, आपको बाहर सदा के लिए भी किया जा सकता है, पहला मौका दिया जाता है फिर कभी आना। दूसरा मौका अगर 100 बार हमें रिपीट करोगे नहीं हम बहुत दूर से आए हैं देख लो, तो हम डिलीट भी आपको मार देंगे, और एक दफे हमने डिलीट मार दिया तो हम आजीवन आपको देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कहना ही तो है। तो फिर यहाँ से आपका कोई भला कभी भी किसी का नहीं होगा, तो यहाँ का नियम का पालन जरूर करें। वीडियो बनाने का बताने का यही मकसद है, यहाँ कोई भी नशा करके आना सख्त मना है। आपकी बीबी भी लिपस्टिक लगा के आई, हमारा स्टाफ बोला ना साफ कर दो लिपस्टिक लगा के लेडीजों को आना सख्त मना है, और पूरा ढंग का कपड़ा पहन के आए, आधा कपड़ा भी बहुत सी लेडीज पहन के आते हैं, मैं काम नहीं करता उनको बोलता हूँ पूरा कपड़ा पहन के तब आना, उनको वापस भेज देता हूँ। तो यहाँ का नियम आपको अच्छा लगा, अच्छा। तो एक साल में आपको कितना मतलब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या वैसे ही महसूस कर रहे हैं? तो पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर के आया हूँ, आगे अगला व्यक्ति जो भी परेशानी में प्रयास करता हूँ कि मैं उनको भी इस दरबार तक पहुँचाऊँ, जिससे कि वो लोग आपकी मतलब हेल्प ले सकते हैं। पहुँचाना की बेवकूफी आप नहीं करेंगे, आप जिसकी हेल्प किसी की भी करना चाहते हैं आप उसको बोलो यूट्यूब पे बाबा जी भूत लिखो, वीडियो देखो, समझ में आए तब आप वहां जाओ। 100 में 95 का फायदा होता है, 5 का नहीं होता है, वो 5 व्यक्ति वही में से एक निकल गया, वो आपको कुछ भी कह सकता है ना कि मेरा 2-3 हजार 4 हजार तो बर्बाद करा दिया दरोगा जी, आपने बर्बाद करवा दिया। तो भैया आप पहले देखो, समझ में आए, विश्वास हो तब जाओ, क्यों सही कह रहे हैं ना। अब डायरेक्ट आप आंख बंद करके उसको भेजेंगे ये गलत है, मैं उसको दिखा देता हूँ, आपके शायद दे देता हूँ, आप देख लीजिए, जब आपकी इच्छा लगे, जब आपको समय लगे, जब प्रभु की इच्छा होगी तभी आप वहाँ। सही बात है, देखो आने के बाद ये सुबह से आज कितने डिलीट हुए, वहाँ पर पानी पीने की जगह कुल्ली कर रहा है, खैनी खाया हुआ था, यहाँ पर कोई भी नशा करके आना मना है, लाउंज हुआ था, उसके बाद भी क्या कितने आपके सामने डिलीट हुए देखे थे आप लोग ना, 3 या 2 गए आज, गए सदा के लिए डिसमिस, सदा वैसे ही रहो। अब इसके बहुत पहले हम यहाँ नहीं थे दिल्ली, कुछ एक पेशेंट ने कमीना बना किया, अभी हमने वो वीडियो बनाकर भेजा था कि बाबा जी नहीं हम इतनी दूर से आए हैं ये वो प्रभा, तो इसके साथ साथ 17 जुड़ गए, 17 को हमारे आदमी लोग बाहर कर दिए, कभी नहीं आना है, सदा वैसे ही रहो, हाँ सदा वैसे ही रहो। अरे हम तो नेट पे लिखा रहता है 10 दिन पहले कि हम दिल्ली में है, अरे हम मर जाएंगे तो हम थोड़ी उन कब्र में से आके तुम्हारा काम करेंगे, वो लड़का ही करेगा, वो मर जाएगा उसका लड़का करेगा, उसका लड़का करेगा, ये आजीवन पावर है हम लोगों के पास। और मेरा लड़का भी अगर मिस यूज करेगा, भेदभाव करेगा, तो मैं मरने के बाद उसका पावर वापस, वो बेकार। ये इसीलिए पावर मालिक ने मुझे दिया है, भेदभाव नीचा ऊंचा गरीब अमीर भेद कुछ नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। डांटते क्यों है हमें क्या मैं डांटते इसलिए है कि तुम ये दोबारा गलती कहीं नहीं करोगे, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मतलब लड़के को भी कहता हूं गधे हो तुम, पागल हो तुम, तो ये क्यों कह रहा हूं, मूर्खता के साथ तुलना कर रहे हो, हाँ ना कि कह रहे गधे आप हो, वास्तविक आप प्रेम से बोल रहे हैं, हाँ कितने बोलते हैं नेट पे कमेंट करते हैं अरे बाबा जी ऐसा बोलते हैं, अरे उसमें भी रीजन है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं, तुम समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ सकते हो पारो प्रोपन घर जाओ भाई, गारंटी किसी की लेते नहीं है, 100 में 95 का ठीक होता है, आप ही हो 100 में गारंटी थी? नहीं है गारंटी, कर जाओ गारंटी वाले बाबा के पास जाओ। चलो इस वीडियो से बहुत से लोगों का भला होगा, थैंक यू, ओके। Thank you.
कहानी से कर लो ये। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यही आने से होगी? क्या बेकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार। बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूँ? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूँ? एकदम शूट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई, यहाँ की हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।